करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपं निज बोध रूपं योगेन्द्र मेड्यं भवरोग वैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्यां घ्रिपंकज पराग पर प्रभावाद यस्यां घ्रिपंकज पराग पर प्रभावाद भूत्वा कृति कृतिमतां श्रुतिमाचरामि। तं सद्गुरुं सतत सर्वसुखं सदग्र्यं वंदे सदा विमलबोधघनं विचित्रं वंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधुनररूपहरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मंचासीन सम्माननीय साधु समाज उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद माताओं तथा बहनों, मेरे संबंध में प्रशंसा के जितने शब्द आप लोगों ने सुना है, मैं उन सारे शब्दों को गुरु महाराज जो सही में प्रशंसा के योग्य हैं उनके चरणों पर समर्पित करता हूँ। मैं इस ओर ज्यादा नहीं जाना चाहता, समय बहुत थोड़ा है, विषय बहुत गंभीर है। सार रूप में भक्ति विषयक ज्ञान हम लोगों को मिले, यही अभी प्रयास रहेगा। भक्ति का जहां अंत होता है वहीं ईश्वर का दर्शन होता है।
पहले आरंभ हो फिर अंत देखा जाएगा। आरंभ ही नहीं तो अंत कैसा। भक्ति के आरंभ करने वाले को भक्त कहते हैं, मुमुक्षु कहते हैं। उद्धव जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से एक बार पूछा है, हे कमल नयन, मुमुक्षु पुरुष को आपका ध्यान कैसे करना चाहिए, किस भाव में करना चाहिए, किस रूप में करना चाहिए, कृपा करके बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र अपने मुखारविंद से अपने ध्यान के विषय में, अपनी भक्ति के विषय में, अपनी प्राप्ति के विषय में अपने प्यारे भक्त उद्धव को बतलाया। हम लोगों के लिए वह ग्राह्य होगा। भगवान श्री कृष्ण ने जो उद्धव को बतलाया है, दीक्षा के समय में संत मत में वही बतलाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, सम आसन आसीनः सम कायो यथा सुखम हस्तावुत्संग आधाय स्वनासाग्र कृते क्षण। ध्यान कहें चाहे भक्ति कहें चाहे योग कहें, एक ही बात है, जिस क्रिया के द्वारा परमात्म प्राप्ति होती है, परमात्मा तक की पहुंच होती है, माइक सारे आवरणों से निवृत्ति होती है, शाश्वत आनंद की अनुभूति होती है, उसी क्रिया का नाम भक्ति है, वही योग है, वही ध्यान है। कहने के लिए बहुत सारे शब्द हैं, बात एक ही है। भगवान कहते हैं, जो ध्यान करना चाहता है, मेरी भक्ति करना चाहता है, मेरे से मिलना चाहता है, मैं बतलाता हूँ। सम आसन आसीनः सम कायो यथा सुखम। पवित्र और समतल स्थान पर उसे बैठना चाहिए। भक्ति बनने लग जाएगी, ध्यान बनने लग जाएगा, फिर आप कहीं भी बैठ सकते हैं, किसी भी तरह बैठ सकते हैं। जब तक नहीं बना है तब तक आरंभ में समतल भूमि पर बैठना चाहिए। जगह ऊंची नीची नहीं हो, रस्सी वाली चारपाई समतल नहीं होती है, तख्त हो जिसको चौकी भी कहते हैं, पलंग हो, फर्श हो, लेकिन वह पवित्र हो। जिस स्थान पर बैठकर भजन किया जाता है वह स्थान पवित्र होना चाहिए। भजन से बढ़कर, भक्ति से बढ़कर दुनिया में कोई पवित्र कर्म नहीं हो सकता।
इस कर्म को करने के लिए बहुत पवित्रता का पालन करना होता है। बहुत पवित्र आचरण वाला ही भक्ति कर पाता है। इसीलिए भगवान ने आरंभ में ही कहा, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, पवित्र स्थान पर बैठो। पवित्र स्थान पर बैठ करके, समतल स्थान पर बैठ करके वहां ध्यान करो। लोग मेरे से कहते हैं, महाराज आप ध्यान शिविर प्रायः तीर्थों में जाकर लगाते हो, किसी शहर में किसी बाजार में क्यों नहीं लगाते? हम पागल हो गए हैं, इसीलिए तीर्थों में शिविर लगाते हैं। क्या क्या लोग बोलते हैं, यदि गांव नगर शहर में लगाते तो बहुतों को लाभ होता, कितनी दूर आना पड़ता है, कितने किराए देने पड़ते हैं, कितना क्या क्या होता है। अन्य जगह स्थान को पवित्र बनाना होता है, बहुत दिनों तक एक ही जगह पर अभ्यास करते करते फिर वह स्थान भजन के योग्य पवित्र बन पाता है। और तीर्थ की भूमि जो है वह पहले से ही पवित्र है, उसको हमें पवित्र नहीं बनाना है, वह भूमि पहले से ही पवित्र है। स्वयं परमात्मा मनुष्य के रूप में प्रकट होकर जिस भूमि पर बरसों लीला की है, उस भूमि की पवित्रता का कौन वर्णन कर सकता है। भगवान श्री राम जिस भूमि पर अवतार लेकर बरसों लीला की है, उस भूमि की पवित्रता का कौन वर्णन कर सकता है। आदमी के पास समय बहुत कम होता है, वह स्थान को ही पवित्र बनाते रहे, स्थान को ही पवित्र बनाते बनाते दुनिया से चले जाए, फिर मन कब पवित्र होगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि स्थान को पवित्र बनाने में जो समय लगाया जाता है, वह समय नहीं लगाना पड़े। ऐसी ऐसी जगह की खोज हो जहाँ स्वतः वह स्थान भजन करने के लिए बिल्कुल तैयार मिले। आओ बैठो शुरू करो। तीर्थ की भूमि जो है, किसी संत की भूमि जो है, वह भक्तों को पुकार लगा रही है, आओ बैठो और भजन शुरू करो। इसीलिए भारत के प्रायः सभी प्रमुख तीर्थों में ध्यान का शिविर लगा है, और अभी भी दिमाग में चुनाव चलते रहता, अब आगे कहाँ होगा, अब आगे कहाँ होगा। आगे के विषय में तो आप लोग सुन ही रहे हैं, एक महीना का शिविर लगेगा उज्जैन में, 22 अप्रैल से 21 मई तक। क्षिप्रा नदी का तट है, महाकालेश्वर भगवान का मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है, वहीं पर काकभुशुंड को शिव का श्राप मिला था और वहीं पर भर्तृहरि की गुफा है जहाँ उन्होंने बरसों तप किया है। बहुत विलक्षण विलक्षण स्थान है, और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम विद्या अध्ययन करने के लिए सांदीपनी मुनि के यहाँ 64 दिनों तक रहे हैं। वहीं पर सुदामा और श्री कृष्ण एक ही जगह रहकर पढ़ते थे,
महापवित्र भूमि है, एक महीना तक वहाँ ध्यान होगा, दो बार और एक एक महीना का ध्यान वहाँ हो चुका है, तीसरी बार कुंभ में शिविर फिर लगेगा। फिर सोच रहा हूँ एक बार ऋषिकेश में भी लग जाए, फिर सोच रहा हूँ जहाँ से नर्मदा नदी निकली है अमरकंटक वहाँ भी लग जाए, फिर सोचता हूँ एक बार माता सबरी की कुटिया पर भी दो चार दिन ध्यान हो जाए किष्किंधा के पास। तो दिमाग में यही सब घूमता है। आप लोग यदि अनुशासित होकर व्यवस्थित होकर संत मत के सिद्धांत के अनुकूल चलकर मेरे साथ रहें, तो गुरु महाराज की दया से न जाने कहाँ कहाँ मैं आप लोगों को घुमाऊंगा दिखाऊंगा। अनुशासित व्यवस्थित यह सब रूप जब सामने नजर नहीं आता तब कभी कभी दिल टूटने लगता है, कहाँ हंसी करी हम पर पुर जाई। स्थान पवित्र होना चाहिए और एक आसनी स्थान पर जरूर बिछा करके अभ्यासी को बैठना चाहिए। कंबल की आसनी हो, कुश की आसनी हो, जो भी बने एक आसनी जरूर होनी चाहिए। कितने कपड़े अटैची में झोली में लाद लाद करके लोग चलते हैं लेकिन ध्यान करने वाले को एक कंबल की आसनी नहीं, एक आसनी जरूर होनी चाहिए। जिस आसन पर बैठ करके, जिस आसनी पर बैठ करके भजन करें, सत्संग करें, उस आसनी पर दूसरा कोई काम नहीं करें, तब उस आसनी का संस्कार सुरक्षित रहेगा। नहीं तो हमारे क्रियाकलापों का असर आसनी पर पड़ता है, जगह पर पड़ता है। हमें तो इस बार बड़ी खुशी हुई, भले ही भक्तों को थोड़ा बहुत कष्ट हुआ जहाँ था ठहरने में, इस हॉल में किसी को सोने नहीं दिया गया, केवल ध्यान कराया गया है। इतनी संख्या में आज तक किसी भी शिविर में साधकों ने ध्यान नहीं किया। अभ्यासी आते थे इससे भी अधिक अधिक, लेकिन इतनी संख्या में नहीं बैठते थे, क्योंकि सोना भी होता था बैठना भी होता था। इसीलिए मन में कभी रजोगुण घूमता था कभी तमोगुण घूमता था। अभ्यासी के मन में रजोगुण और तमोगुण जब घूमने लगता था तब झोली लेकर वो भी घूमने लग जाता था, कभी उस मंदिर में कभी इस मंदिर में कभी कहीं कभी कहीं। ये 84 में जो घूमने की आदत पड़ी हुई है यहाँ आकर के भी नहीं छूटते, 84 का असर है। सबको पता है कहीं दर्शन नहीं होगा, कहीं दर्शन नहीं होगा, कहीं दर्शन नहीं होगा। जहाँ दर्शन होगा, जहाँ के लिए आए, वहाँ मन नहीं लगता, वहाँ दिल नहीं लगता। क्या श्रद्धा है संत मत में, क्या श्रद्धा है गुरु में, क्या श्रद्धा है सत्संग में, क्या श्रद्धा है भक्ति में, हमें कुछ समझ में नहीं आता। एक क्षण ध्यान करने से जो पुण्य होता है, आनंद होता है, सारी दुनिया के तीर्थों में घूमने से भी वह आनंद वह पुण्य नहीं हो सकता। ज्ञानाध्यानम विशिष्यते
गीता में लिखा हुआ, ज्ञान से ध्यान बढ़ करके है। कहीं भी जाएंगे धर्म होगा, लेकिन सत्संग करेंगे ध्यान करेंगे तो धर्म का ज्ञान होगा कि धर्म कहते हैं किसको। यहाँ बैठे बगैर, यहाँ की बात सुने बगैर तो धर्म का कभी ज्ञान ही नहीं होगा। फिर भी 84 का संस्कार जिसकी खोपड़ी पर घूम रहा है, वह अभी घूम रहा है, लेकिन मैंने यहाँ देखा है यह स्थान इतना सत्वगुण प्रधान है कि यहाँ आए हुए साधक एकाध % इधर उधर गए होंगे घूमने के लिए। इस बार मुझे बड़ी खुशी हुई, और सबसे ज़्यादा माताओं के लिए। देखिए कितनी संख्या में माताएं हैं, कहाँ कहाँ इन माताओं को ठहराया गया, कहाँ कहाँ सत्संगी भाई को ठहराए गए। एक जगह पर ठहरने की व्यवस्था नहीं, फिर भी कहाँ कहाँ से आकर के 3 बजे सब बैठते थे, 5 बजे बैठते थे। गुरु महाराज न जाने इस नियम परिपालन के बदले में आपको कितना आशीर्वाद देंगे जिसकी सीमा नहीं है। जहाँ जाएं वहाँ के नियम में रहने के लिए सीखें, संत मत यह सिखलाता है। गुरु महाराज का बनाया हुआ यह नियम है, मेरा बनाया हुआ नहीं, संत के सदगुरु के बनाए हुए नियम का जो पालन करेंगे, संत सदगुरु अपने पवित्र आशीर्वाद से उसको भर देंगे। तो जिस स्थान पर भजन किया जाए उस स्थान पर दूसरा कोई काम नहीं, केवल भजन ही होना चाहिए। इस हॉल में केवल भजन हुआ है, स्थान पवित्र हो, आसनी पवित्र हो, जो भजन करेगा उस अभ्यासी का भोजन पवित्र हो, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो दुर्वास स्मृति। आहार शुद्धि पर बहुत ध्यान देना होगा, सच्चाई और ईमानदारी से उपार्जित अन्न जब आप ग्रहण करेंगे तभी आपसे भजन होगा। जैसा तैसा अन्न खाएंगे तो भजन नहीं होगा, अन्न पर बहुत ध्यान देंगे। जहाँ जहाँ मेरे माध्यम से गुरु महाराज की कृपा से ध्यान शिविर लगाया जाता है वहाँ भोजन पर बहुत ध्यान दिया जाता है। आप कहीं भी जाकर के